हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा मैं विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शोक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड गाइस देखो, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पबजी न्यू स्टेट के अंदर लैग कैसे फिक्स कर सकते हैं। देखो, पबजी न्यू स्टेट हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है, मुश्किल से अभी इसको 3 या 4 दिन होंगे, 4 भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मैंने 3 दिन होंगे इसको अच्छे तरीके से लॉन्च हुए। एंड यार देखो, गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ग्राफिक्स की डिमांड इस गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ क्या है, इस गेम में काफ़ी ज़्यादा अभी आपको ग्लिच वगैरह स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुई है, तो धीरे धीरे करके कंपनी उनको वो भी फिक्स कर देगी। तो ये तो थी गेम की बात, ये गेम वाले इनको अपना अपसेट कर देंगे। अब बात करते हैं यार, देखो इसको हम अपने डिवाइस में कैसे इसको लैग फ्री चला सकते हैं। क्या होता है कि जब इस गेम को हम चलाते हैं, थोड़ा बहुत आपको लैग या फिर ऐसा हैंग वगैरह इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, तो वो आप अपने फ़ोन में एक सेटिंग करके कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। एंड ये मैं स्पेशली चीज़ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के लिए, कि जो लोग Xiaomi का डिवाइस यूज़ करते हैं ना, एंड जिन लोगों के फ़ोन में MIUI 12 वर्क करती है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली चीज़ होने वाली है। 12 या 12.5 ये आपका वर्जन वर्क करता है, तो आपके लिए ये वीडियो बनी है। एंड इसके अंदर बस आपको एक ऑप्शन को एनेबल करना है, देन फिर आप देखना कि आपके पबजी न्यू स्टेट के जो लैग होंगे ना, वो सारे एकदम फिक्स हो जाएंगे, एंड आपकी गेम का जो एक्सपीरियंस होगा वो एकदम बटरी स्मूथ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको गाइस देखो वीडियो को तो देखना है लास्ट एंड तक, तभी आपको पूरा मेथड समझ में आएगा। एंड दूसरी चीज़ क्या है, वीडियो पे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही दबा देना बेल आइकन को भी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियोस लेके आता रहता हूँ, ऐसी मतलब मज़ेदार सी, जिसमें आपकी कोई सॉल्यूशन होता है कोई भी चीज़ हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ना अपने शटर को ओपन करना है, देन फिर आपको जाना सेटिंग में। अब सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे अबाउट फोन का ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको एक बार अपने फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। मेरे पास जो फ़ोन है वो है पोको का F1 आर्मर्ड एडिशन, एंड यहाँ पे जो MIUI वर्जन है वो 12.0.3 है। ये 12.5 में भी ये सेम मेथड वर्क करता है, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे जो एंड्रॉइड वर्जन है वो मेरा 10 है। और दूसरी चीज़, मैं आपको ऑल स्पेक्स भी दिखा दूँ, तो ये पोको F1 है 8GB एंड 256GB स्टोरेज के साथ, और ये मेरा सारी डिटेल्स वगैरह फ़ोन की। अब बात क्या करते हैं, अब आपको करना है कि आपको यहाँ पे MIUI वर्जन पे ना 3 से 4 बार टैप करना है, जिससे कि आपका डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी एनेबल है, तो क्योंकि मैंने पहले से, मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ ना वीडियो के अंदर, वो मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, देन फिर अगर मुझे लगती है कि हाँ भाई ये चीज़ वाकई में काम कर रही है, तो ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। तो आपको करना है कि आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड देन फिर आपको जाना है एडिशनल सेटिंग के अंदर। अब एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेवलपर ऑप्शन पे। डेवलपर ऑप्शन आपके पहले कुछ इस तरीके से ऑफ होते हैं, देन फिर आप इसको एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद आपके सामने एक ये छोटा सा पॉप आउट आएगा, अलाउ डेवलपमेंट सेटिंग, दी सेटिंग्स आर इंटेंटेड फॉर डेवलपमेंट यूज ओनली, दे कैन कॉज योर डिवाइस एंड द एप्लीकेशन ऑन इट टू ब्रेक और मिसबिहेव। तो यानी कि ये चीज़ वाकई में काम करती है, इसलिए मैसेज आ रहा है, तो इसको ओके करते हैं। एंड ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रोल अप करना है, जैसे कि आप स्क्रोल डाउन करो पहले तो, एंड ग्रे मतलब स्क्रोल डाउन करने के बाद ना आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस। गाइज अगर आपके फ़ोन में MIUI 11 है तो आपको ऑप्शन नहीं नज़र आएगा, सिर्फ ये खाली MIUI 12 के लिए है, MIUI 12 और 12.5 के लिए। तो गेम ड्राइवर प्रेफरेंस को हम यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है आपका एनेबल फॉर ऑल एप्स, जो कि हमें कोई मतलब नहीं है, वैसे मैंने इसको गेम ड्राइवर पर सेट कर रखा है, ये आपका इस तरीके से डिफॉल्ट पर सेट होगा। तो आप इसको डिफॉल्ट पर हटा के गेम ड्राइवर पर ला सकते हो। गेम ड्राइवर पर क्या होता है ना, आपकी जो फ़ोन की परफॉर्मेंस होती है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो अब आपको यहाँ पर सर्च करनी है अपनी पबजी न्यू स्टेट, तो हम यहाँ पे पी वाले सेक्शन में चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सामने है पबजी न्यू स्टेट, आप कैसे अपनी गेम सर्च कर लेनी है, पहले आप अपनी गेम को इंस्टॉल कर लो, मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, देन फिर आपके सामने पबजी न्यू स्टेट का ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसको क्लिक करना है, एंड अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे सेलेक्ट ग्राफिक्स ड्राइवर लिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे पहला है डिफॉल्ट, दूसरा है गेम ड्राइवर, तीसरा है प्री रिलीज ड्राइवर, एंड चौथा है आपका सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर। तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको, आपको यहाँ पे जस्ट इसको डिफॉल्ट से हटा के गेम ड्राइवर पे सेलेक्ट कर देना है, बस। ये छोटा सा काम करने के बाद आपका क्या होगा, जो आपके जो फ़ोन की जो गेमिंग का जो परफॉर्मेंस का जो ड्राइवर है ना, मतलब गेमिंग ड्राइवर है आपके फ़ोन का, वो बेसिकली इस गेम के लिए ही काम करेगा। जब आप गेम को रन करोगे तो आपके जो फ़ोन की जितनी भी गेमिंग परफॉर्मेंस, मतलब गेमिंग एबिलिटी है ना, वो सारी इस गेम के लिए ही काम करेगी, एंड स्पेसिफिक एक ड्राइवर काम करेगा इस गेम के लिए। तो उससे क्या होगा, आपके जो फ़ोन की जो गेमिंग परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज होगी, एंड आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो बटरी स्मूथ हो जाएगा, मतलब लैग फ्री तो हो जाएगा, और ये आपकी गेम जो होगी वो चलाने लायक हो जाएगी आपके फ़ोन के अंदर। तो ये छोटा सा एक ऑप्शन एनेबल करना आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में सभी के फ़ोन, मतलब जो लोग Xiaomi का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ना, एंड जिनके फ़ोन में MIUI 12 है, तो उन सभी के फ़ोन में आपको ये देखने मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन।
तो आप बस इसको एनेबल करके अपने फ़ोन की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ खाली आप पबजी न्यू स्टेट के साथ ही नहीं, आप जैसे कोई और भी गेम इंस्टॉल कर लो, जैसे एसवेल 9 या फिर आपकी BGMI, आप ये सारी गेमों में ऐसी सेम टू सेम कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको उसको डिफॉल्ट हटा के गेम ड्राइवर पे सेट कर देना है। तो गाइज़ ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप पबजी न्यू स्टेट में अपनी जो ग्राफिक परफॉर्मेंस है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड अपनी फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है गेमिंग एबिलिटी उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस वगैरह या ट्रिक्स वगैरह लेके आता रहता हूँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखें।